खान आप देख सकते हैं यावत छाती में लखनऊ से डिप्टी सीएम कैतन मौर्य जी जो आगमन है छाती में, आज आप इस तरीके से नजारा देख सकते हैं। जो यहाँ बहरान देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार लगता है दोबारा आने वाली है, और ये हम नहीं कह रहे, जनता का कहना है कि यहाँ पर जो खुशी का माहौल नजर आ रहा है। क्या आप लोग ये देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम कैतन मौर्य का जो शारदा जी पाचा आज जो डाकी होने जा रहा है, और आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ, देखिए पब्लिक भी जनता भी यहाँ पर खड़ी हुई है, और भी राम राम। आज जो डिप्टी सीएम जी आ रहे हैं, उनका आने का जो आगमन है छाती में, क्या आपको लग रहा है कि आप बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप बीजेपी आएगी, देखिए महिला सबका सम्मान, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देश आजाद हुए 70 साल में भी जो कार्य 10 साल में मोदी जी ने किया, उस कार्यकाल को आगे बढ़ाना है ताकि देश का विकास हो सके। अच्छा, इसी में कहना चाहूंगी, जो अभी गठबंधन है, गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गठबंधन तो हमेशा बने हैं कि हमारा एक वोट हो जाए, अगर गठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है। अच्छा, आपने गारंटी को बोल दिया, हमने गारंटी 400 पार। भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? लखन कुशवाहा। लखन कुशवाहा जी, आप ये जो सांसद जी आ रहे हैं फिर से, मतलब फिर से नेता जी बोले फिर से आ रहे हैं, तो आप कैसे गारंटी दे बोले फिर से आ रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय हम सबके नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हम झांसी के लोकप्रिय सांसद जन जन के नेता आदरणीय अनुराग शर्मा जी का नामांकन कराने आ रहे हैं, और हम लोग 5 लाख वोटों से अधिक से जीतने वाले। अच्छा, तो भीड़ वहाँ नजर आ रही है, आज की भीड़ को अंदर नहीं आने आ रहा, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, भीड़ जन समूह अपने आप आ रहा है, तो भीड़ आने के लिए किसी ने नहीं रोका, सभी आ रहे हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज गोस्वामी है। मेरा नाम धीरज गोस्वामी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और आज हमारे झांसी ललितपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय अनुराग शर्मा जी का नामांकन जुलूस में हमारे डिप्टी सीएम माननीय केशव मौर्य जी हम सबके बीच में कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचने वाले हैं, उन सबको सुनने के लिए वो हमारे झांसी के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के जन जन के नेता केशव मौर्य जी के सुनने के लिए कि झांसी जिले से शहर ललितपुर की अपार जनमानस यहाँ पर सुनने आ रहा है। अच्छा, आप ललितपुर से हो? नहीं, मैं झांसी से। झांसी से हो, तो आप ये जनता को देखिए, पब्लिक को देखकर, और जो यहाँ पर लेडीज भी महिला काफी है, जो जोर जोर से चिल्ला रही है कि भैया इस बार तो बीजेपी सरकार को आना है, तो गठबंधन एक तरफ है या मतलब बीजेपी सरकार एक तरफ है? बीजेपी सरकार एक तरफ, गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी पूरा तरह से मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने वाली है। दोबारा से मोदी जी को बुला रहे हैं पब्लिक, आइए अभी बात करते हैं। हम जी, आप कहाँ के हैं? गांव अक्सर विधानसभा मऊरानीपुर। मऊरानीपुर से डिप्टी सीएम जो हमारे आ रहे छाती उनका आगमन है, उनकी खुशी के बारे में कितनी पब्लिक को मुस्कुराहट है, जो मतलब खुले हमारे झांसी लोकसभा क्षेत्र में जितनी पब्लिक है सबको भारी प्रसन्नता है, और सभी लोग केशव मौर्य जी के साथ। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं? अनुराग शर्मा जी को बीजेपी आ रही दोबारा से? बिल्कुल 100%। भैया आपका नाम क्या है? मैं धर्मेंद्र कुशवाहा, महाबल्ला महानगर प्रभारी। कहाँ से रहने वाले हो? मैं झांसी का। अच्छा भैया, अभी कैतन मौर्य जी आ रहे हैं, जो पचास आगे करने के बाद अनुराग शर्मा सांसद जी का, तो आप ये बताइए बीजेपी आएगी क्या? उनके अंदर आपने अच्छाई देखी है, तो आप बोले कि बीजेपी आएगी अच्छा, आप क्या देखते हैं? चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में वोटिंग की अधिक से अधिक मात्रा है, इस बार क्या जीत मतलब जनता को मैसेज करेगी? किसके लिए? या कांग्रेस को, या भाजपा को, या गठबंधन को, या हमारे मोदी जी को? मोदी जी को। अच्छा, आप अपनी विश्वास करते हैं मोदी जी? भैया देखिए, आप देख सकते हैं नजारा आपके सामने है, नजारा आपके सामने, जो डिप्टी सीएम कैतन मौर्य जी आ रहे हैं उनके आने की खुशी में। अब सब लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना मोदी जी को, तो कितने सांसद चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के 370
पार तो हमारे गठबंधन के भी कुछ साथी हैं, उनको जोड़ करके 400 पार। अब मोदी जी ने कुछ कहा है, मैं आपसे कह दूं, सबसे पहले तो